तो आज इस वीडियो में एक बार फिर से अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ विंग्स ब्रांड के ही एक और लेटेस्ट गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विंग्स वल्केन। तो विंग्स वल्केन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर विंग्स की ब्रांडिंग, मॉडल नेम, साथ में कुछ की फीचर स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं जिनकी वीडियो में आगे बात करने ही वाला हूँ। साथ में पीछे की तरफ यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, इंपोर्टेड मार्केट बाई डिटेल, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, मतलब कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। कस्टमर केयर के डिटेल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ में MRP दिया हुआ है 4499, लेकिन ये मिलने वाले हैं करीब 2200 रुपए के अप्रोक्स रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वेलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है जहाँ से डायरेक्टली अगर आप चेक कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या प्राइस है और बाय भी कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले दिख जाता है चार्जिंग केस और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। साथ में मिलता है यहाँ पर कुछ और सामान जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स, एक USB A2 टाइप सी वाली चार्जिंग केबल, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि यूजर गाइड और वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड। 1 ईयर की हैसल फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट की, जो कि काफी अच्छी बात है। और नेक्स्ट यहाँ कुछ भी नहीं है तो वापस आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। तो फर्स्ट लुक में जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं तो पता चल जाता है काफी गेमिंग इंस्पायर्ड डिजाइन यहाँ पर मिलता है। जैसे कुछ और विंग्स के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं उन्हीं की तरह रेगुलर जो ईयरबड्स का डिजाइन है उनसे काफी डिफरेंट है। विंग्स की ब्रांडिंग टॉप पर दी हुई है, पीछे की तरफ यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है। बाकी जो पूरा केस है मैट ब्लैक फिनिश में आता है और पूरा का पूरा केस जो है काफी डिफरेंट से यूनिक से डिजाइन में आता है। फ्लैट एजेस सा है, कहीं कहीं राउंडेड सा है। केस के कैप को ओपन करने के लिए यहाँ पर हल्का सा हिंज दिया हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं हल्के से सेमी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आता है। अंदर की तरफ जो RGB लाइट्स हैं ये बाहर से भी दिखती हैं। केस के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, साथ में ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया हुआ है जहां पर के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। केस के अंदर हल्का सा मैग्नेट भी है जो कि ईयरबड्स को होल्ड कर रखता है, कहीं भी भीड़ भाड़ में निकालेंगे रखेंगे तो गिरने कूदने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बस यहाँ पर केस के कैप को थोड़ा सा पकड़ कर रखना पड़ता है, जैसे ही आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो बंद हो जाता है। बाकी इन दोनों ही ईयरबड्स के बीच में केस के अंदर एक और छोटी सी नोटिफिकेशन LED दी गई है। लेफ्ट राइट के सिंबल्स दिए हुए हैं और जो पूरा का पूरा केस है आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट सा लाइट वेट सा केस है, सो पॉकेट वॉकेट में बड़े आराम से रखकर कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन मिलता है। पिछले वाले जो एक्स फायर और हॉक वाला था उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो भी लाइट का डिजाइन है ये डिफरेंट है। बाकी पूरे के पूरे ईयरबड्स जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आते हैं। अंदर की तरफ गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेफ्ट राइट के सिंबल्स दिए हुए हैं, बॉटम में दोनों ईयरबड्स के ऊपर माइक दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टिल्टेड वाला डिजाइन है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है। थोड़ा बहुत रनिंग जॉगिंग वगैरह में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो जरूर से कर सकते हैं, जल्दी से निकलने गिरने वाले नहीं है। साथ में IPX5 स्वेट एंड वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो थोड़े बहुत स्वेट वेट या फिर पानी वानी की बूंदें गिर जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो ओवरऑल फिट था मुझे पर्सनली पसंद आया और ईयरबड्स लाइट वेट भी हैं, तो मैंने इनको लगातार 1-2 घंटे इस्तेमाल करके देखा तब भी कानों में कोई पेन वेन की दिक्कत नहीं हुई। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पर जो RGB वाली लाइट्स हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कनेक्शन और रेंज की बात करें तो विंग्स वल्केन आते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ में। फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए सिंपली चार्जिंग केस के कैप को ओपन करना है, डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं। बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी एंड्रॉइड iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बार पेयर करने के बाद जैसे ही केस के कैप को बंद करते हैं ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम से जैसे ही केस के कैप को ओपन करते हैं क्विकली पेयर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और कनेक्शन रेंज भी अप टू 10 मीटर्स के बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं। भाई कंट्रोल्स वगैरह की बात करें तो जैसे कि आपने नोटिस किया ईयरबड्स के अंदर कोई भी बटन वगैरह नहीं है, बिकॉज ऑफ टच कंट्रोल्स मिलते हैं जिनके जरिए मल्टीफंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डबल टैप करेंगे लेफ्ट या राइट ईयरबड किसी के ऊपर भी तो आप प्ले पॉज कर सकते हैं म्यूजिक प्लेबैक के दौरान, और राइट ईयरबड के ऊपर ट्रिपल टैप करके ट्रैक को नेक्स्ट कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरबड के ऊपर ट्रिपल टैप करके ट्रैक को प्रीवियस भी कर पाएंगे, और राइट ईयरबड पर सिंगल टच करेंगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर पाएंगे बार बार टैप करके, और लेफ्ट ईयरबड के ऊपर बार बार टैप करके वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं, और राइट ईयरबड के ऊपर अगर आप 2 सेकंड के लिए टैप एंड होल्ड करते हैं तो गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, और 2 सेकंड के लिए लेफ्ट ईयरबड के ऊपर टैप एंड होल्ड करेंगे तो सिंपली गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डबल टैप के जरिए कॉल पिक कर सकते हैं, वापस से बात करने के बाद डबल टैप करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए तो कॉल को रिजेक्ट भी कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो टच रेस्पॉन्स है ये काफी बढ़िया है, काफी अच्छे से काम करते हैं और कई सारे फीचर्स आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट साउंड आउटपुट की बात करें तो ईयरबड्स के अंदर दिए हुए 8mm के ड्राइवर यूनिट्स और इनके जरिए किस तरह का साउंड आउटपुट मिलता है उससे पहले सुन लीजिएगा ये एक क्विक सैंपल।
तो जैसे कि शायद आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होगा ईयरबड्स के जरिए, अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी वोकल्स होते हैं साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं वो काफ़ी क्लियरली सुनने को मिल जाते हैं। अप टू 80-90-100% वॉल्यूम तक कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रेबल अच्छा है, साथ में बेस की जो क्वालिटी है वो भी मैं बोलूँगा अच्छी है, हल्का सा पंची, हल्का सा डीप बेस बोल सकते हैं, और इसके फिट की वजह से हल्का सा एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर अप टू 100% वेल बैलेंस साउंड आउटपुट है, ऐसा नहीं है 100% वॉल्यूम पर इस्तेमाल ना कर पाए, जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा तो वो मिलेगा उन सॉन्ग्स में जहां पर कि बहुत ज्यादा बेस और ट्रेबल होता है। ओवरऑल मुझे तो जो साउंड आउटपुट है पसंद आया, अफोर्डेबल वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, गेमिंग ईयरबड्स हैं उसके हिसाब से। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी बेस बूस्टेड वाला बेस तो नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ ये गेमिंग के लिए डेडिकेटेड है तो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड वगैरह है वो क्लियर मिलते हैं। बाकी ईयरबड्स के जरिए कॉलिंग भी कर सकते हैं, MEMS माइक सेटअप मिलता है। कॉलिंग क्वालिटी कैसी है? तो ये रहा कुछ सैंपल जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जा रहा होगा किस तरह से आपको ऑडियो मिलेगा, मतलब कि सिस्टम को जब आप ईयरबड्स के जरिए कॉल होस्ट पर बात करेंगे। और अगर आपको चाहिए दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है तो एक को इस्तेमाल कर लीजिएगा, चाहे इसको दोनों ही के अंदर माइक मिलता है सेपरेट। बाकी गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, पर गेमिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्रीथिंग LED ऑन हो जाती है दोनों ईयरबड्स के ऊपर, और गेमिंग मोड में यहाँ पर मिलता है less than 65 millisecond का लैग जो कि काफ़ी कम है। और मैंने खुद यहाँ पर ट्राई करा BGMI खेलकर इन ईयरबड्स के साथ में, जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था। एकदम वाइड ईयरफोन्स लेवल का तो नहीं, लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन्स के हिसाब से यहाँ पर जो लैग था काफ़ी कम था, इंस्टेंटली आपको जो साउंड है वो सुनने को मिल जाता है ईयरबड्स के जरिए। और लैग के अलावा यहाँ पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है गेमिंग के दौरान, जैसे कि लेफ्ट से आवाज़ आ रही है, राइट से आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है, तो वो सब बड़े आराम से फिल्टर हो जाती है इन ईयरबड्स के जरिए, जिससे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। सो गेमिंग के लिए तो काफ़ी तगड़े हैं। नेक्स्ट चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो पहले तो इन ईयरबड्स को केस के अंदर रख देंगे, उसके बाद यहाँ पर मिलता है टाइप सी पोर्ट जहाँ पर कि आप किसी भी 5 वोल्ट वाले चार्जर का इस्तेमाल करके इस केस को 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं विद इन 2 hours। और एक बार केस जब फुल चार्ज हो जाता है तो डायरेक्टली इन ईयरबड्स को निकाल कर आप लगातार 5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम लेवल्स पर। अगर फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन 4 बार फिर आप इन ईयरबड्स को इस केस के अंदर रखकर चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि अप टू 25 आवर्स तक का, मतलब कि 25 घंटे तक का यूसेज टाइम मिल जाता है। गेमिंग मोड पूरे टाइम ऑन करके रखेंगे या फिर पूरे टाइम फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। फाइनली अगर मैं सम अप करूं तो 2,300 रुपए के अप्रॉक्स मिलने वाले हैं विंग्स वल्केन, और इस प्राइस के हिसाब से यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो डिजाइन मिल रहा है, जो साउंड आउटपुट मिल रहा है, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ में यहां पर जो आपको यूसेज टाइम मिल रहा है, प्राइस के हिसाब से मुझे तो सही लगता है। ओवरऑल 2,300 में लिटिल बिट महंगे बोल सकता हूं मैं, थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाए तो मजा ही आ जाए। स्टिल मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कैजुअल गेमिंग के लिए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चाहिए तो जरूर से इनको कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। वैसे विंग्स ने ऑलमोस्ट सेम प्राइस में कई सारे गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं, बस आपको डिजाइन सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको पसंद है वो आप बाय कर सकते हैं। स्पेक्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है सभी के अंदर, तो बस डिजाइन वगैरह देख लीजिएगा और बाय कर लीजिएगा। और आप जरूर कमेंट में जाके बताइएगा आपको कैसे लगे विंग्स वल्केन गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब अभी के हाथ में है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।